उदार विजन होता और सोच भी उदार ही होती। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, नेहरू जैसा विजन होता तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना लिख लेते, पर कहाँ। खैर, ओम सैनी जी के पास आता हूँ। ओम सैनी जी, ये इंसान को अहंकार जो है ना मार देता है। इंसिडेंटली मैं भी व्यवस्था के उस हिस्से से आता हूँ कि नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, कि जहाँ लोग रिटायर भी हो जाते हैं तो भी अपना क्या कहते हैं कि अपना अहंकार नहीं छोड़ते, तो भी अपने आप को रिटायर्ड IAS IPS कह के वहां भी असर्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई थोड़ी तो विनम्रता रख लो कम से कम। और जब इनको स्कॉटलैंड में या बाकी कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो वहां पर पढ़ाई जाती है उन इंस्टीट्यूट्स में, विदेशों में, चाहे जापान में जाएं या उनको ब्रिटेन में भेजा जाए, कि विनम्रता क्या होती है, एक सिविल सर्वेंट का रोल क्या होता है, जनता के प्रति आपके दायित्व क्या है। ये वहां जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हाँ हमसे ज्यादा तो इंसान कोई नहीं, हमसे ज्यादा मानव कोई नहीं है, और यहाँ आके फिर वही लॉर्डशिप आ जाती है। और फिर देखो कि अपने एम्प्लॉयज को अपने घरों में, अपने बैंगलोर में कैसे यूज करते हैं, उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। हालांकि गवर्नमेंट उसे बैन किया हुआ है, लेकिन सरकार तो खुद ही है ना अल्टीमेटली, तो व्यवस्था और व्यवस्था का दुरुपयोग तो आपके सामने रहते हैं। तो यही हो जाता है, रिटायर तो हो जाते हैं, कई बार रस्सी जल जाती बन नहीं जाता है। सर, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये खासतौर से ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये सर क्या कहा जाए इसके बारे में। ओम सैनी जी, देखिए दबदबा ये हुकूमत जो आपने शेर पढ़ा मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन इतना समझा कि सचमुच में हमें अपने इतिहास से तो गर्व होना चाहिए। जिस जमाने में हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ पुराण लिखे गए, हमारे यहाँ ऋचाएं दर्ज ही, जो रचने वाले थे उनके नाम भी हम नहीं जानते, कितने विनम्र रहे होंगे वो लोग, जिंदगी का जो कुछ फलसफा उन्होंने हासिल किया उसको आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी, तो उसके अतिरिक्त कोई लेखक हमें याद नहीं आते। फिर आचार संहिताओं से थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि नारद स्मृति ने ये लिखा है, बृहस्पति स्मृति ने ये लिखा है, मनुस्मृति ने ये लिखा है, भारद्वाज स्मृति में लिखा है, 153-154 करीब स्मृतियां हैं जो समाज संचालन के लिए बनी। वो उस युग में जिस तरीके का समाज हम बनाना चाहते थे, जैसा सोच था, वो तो निश्चित रूप से बाहर दुनिया के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी ये कहने का हिम्मत नहीं कर सकता कि हम विश्वगुरु हैं। हमें विनम्र होंगे तभी हमारी बात चलेगी। विनम्र हमारा सबसे बड़ा गुण रहा है, विनम्रता। जिस आदमी में अहंकार आ गया उसके बाद में उसको स्वीकार नहीं किया जाता, न साहित्य में स्वीकार किया जाता, न कहीं और इतिहास में स्वीकार किया जाता। और किया भी जाता तो अपने दबदबे से कुछ वक्त तक नजर आता, लेकिन उसके बाद में नजर नहीं आता। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान जो हमारे सत्ताधारी दल के लोग हैं, इन्होंने बात तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू की थी कि जिस तरह का शासन चल रहा था देश में उस वक्त, एक ऐसा डेमोक्रेटिक और खुला हुआ और बेहतर शासन होना चाहिए जिसमें हर आदमी की भागीदारी हो। और ये वो लोग जो जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कर रहे हैं, तो उसी तरह की बात बोल रहे हैं। इस बात के गवाह थे अब्दुल करीम छागला, जो आपके बॉम्बे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और बाद में शैजेंद्रा जी की सरकार में ही रहे हैं मंत्री। तो उन्होंने इसकी तायद की थी कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का विकल्प, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की एकाधिकारवादी और तानाशाही प्रवृत्तियां पैदा हो रही थी, उनसे मुक्ति के लिए कोई डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए थी बहुत, अब ये आ गई है शायद। लेकिन ये पता नहीं था उनको कि जब हम 2024 में इसकी चर्चा कर रहे होंगे तो दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली है इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है, और देखने के साथ में उसका कैसे अपना सारा जो पाया हुआ था सब नष्ट हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ फिलोसॉफी अटल जी ने या आडवाणी जी ने या हेडगवारकर साहब की जो था वो सारा इतिहास उन्होंने हासिल किया था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये कुछ डेमोक्रेटिक सारा सब कुछ,
लेकिन फिर भी वो लोग बेहतर थे, अब ऐसा नहीं है। और ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते सचमुच में कि जिस तरह का मिक्स इकोनॉमी हमने दिया, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया, हमने मनुस्मृति नहीं ली, हमने भारतीय संविधान रचा, और उसकी रचयिता कोई कोई वेदव्यास कोई व्यास जी नहीं थे, उसके रचयिता थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे लोग विद्वान लोग जिनके पास में विद्वता थी उन लोगों ने रचा। उनका सारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज बड़ा अटपटा लग रहा है इनको, और जो जिस तरह का सारा इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं, जो लोगों के हाथ में जो पूरा मुल्क सौंप रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। ये कहते हैं कि हमने, क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से जानते कि हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन है, तब से जानते थे कि आई आई टी काम सिखाने वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर बने हुए हैं, तब से जानते थे कि हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम आ गया है, तब से जानते थे कि हमारे बालिग जैसे जैसे उम्र बढ़ गया, 21 साल के बजाय 18 साल के आदमी को वोट देने का अधिकार है, नौजवान को, ये भी जानते थे। ये भी पता लगने लगा था कि हुकूमत समझने लगी है कि हम लोग जैसा कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं और हम लोग जिस शिक्षा का लाभ जो लोगों को पहुंचा सकते हैं कोई पहुंचा नहीं सकता। और आज अगर ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि जिन चीज़ों से हमने सीखा है और उन्हीं चीज़ों को जब हम हमारे सामने झुठलाते हुए देखते हैं, और जिनको आप कहा जाता है, जो अपने आप में कहते हैं कि वो सब जो आई कहते हैं कि वो विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, और सब ये बड़ा मजाक लगता है और अपने आप में होने लगती है क्या हमारे मुल्क में ये क्या हो गया, हम कितने विडम्ब थे, हम कितने पंचशील का सिद्धांत जिस मुल्क ने दिया हो, जिसके नेता ने पूरी दुनिया में तीसरी पूंजीवाद और समाजवाद के आगे बिल्कुल एक चुनौती पैदा कर दी हो, क्या आपको मानव को बीच में रख करके सोचना है, आदमी को बीच में रख करके सोचना है, उसके लिए आप किसी उसमें कोई वो बात मत कीजिए, और ये हुआ। लेकिन वो पंचशील भी भूल गए लोग, ये तो सोच भी नहीं सकते कि पंचशील के बारे में पंडित नेहरू ने क्या कुछ किया था, कैसे चावला इस मुल्क में आए थे, कैसे दिगाल आए थे, कैसे कौन कौन नहीं आया। तो सारा मुझे लगता है कि ये मजाक करने का जरिया भर है, और फिर 470 पार की बात जो बात करते हैं, मुझे लगता कि ये सहज तरीके से वहां से हो नहीं सकता। 420 वाला जो चक्कर है वो कुछ हो तो बात अलग है। जी जी अनिल सिन्हा जी, गोपाल